जय जय बजरंग बली, तोड़ दे दुश्मन की गली। सुखा सारे स्वागत आपको अपने सीरी आर के में। नमस्ते सभी को। आपने बाहर टाइटल पढ़ के देख लिया कि मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ टापमी का जीडी एक्सपीरियंस। तो मैं आपको पूरा ए से लेके जेड तक बताऊँगा, एंड एंड में एक चीज़ है वो आप सुनेंगे तो आएगा सही रहेगा। तो है क्या है कि स्टार्ट कैसे होता है कि हमें 2 या 3 दिन पहले एक लिंक आता है जूम मीटिंग का तापमी के इंटरव्यू के लिए, एंड एग्जैक्टली हमें बोला जाता है कि आप अराउंड 5 मिनट पहले लॉगिन कर लीजिए। और जैसे मेरा टाइमिंग्स थे 2 PM के, सो 2 PM पे मैंने 159 पर क्लिक किया था, एंड अराउंड 2 PM के आसपास द थिंग स्टार्टेड। सबसे पहले क्या होता है कि वो आपसे पूछेंगे कि अपना आधार कार्ड का नंबर बताओ, ठीक है जी। और आप अकेले नहीं होते, हमें जीडी है, ऑनलाइन जीडी है, एंड मैंने भी ऑनलाइन जीडी पहली बार ही दिया है, मैंने कभी ऑनलाइन जीडी नहीं दिया अभी तक। तो उसमें वैसे तो अराउंड शायद 5 या 6 बंदे होने चाहिए, पर मेरे पैनल में इंटरव्यूज़ को छोड़ के टोटल 3 और स्टूडेंट्स थे, मैं और 3 और। एंड जीडी का क्या था कि एक टॉपिक दे दिया था हमें, अब टॉपिक भी बता देता हूँ आपको, इसमें कुछ ऐसा छुपाने वाला नहीं है। तो टॉपिक वॉज डेटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी एंड रोल्स फॉर इंडिविजुअल गवर्नमेंट एंड कॉरपोरेट, ये टॉपिक था, ठीक है जी। एंड इस पे फिर हम सबको अराउंड 2 मिनट्स दिए जा रहे थे कि आपको सबको 2-2 मिनट दिए जा रहे हैं। हम 4 बंदे थे तो हम 4 को 2-2 मिनट दिए गए, एंड आपको बोला गया कि आप इस टॉपिक पे बात कीजिए, आप अपनी अपनी पॉइंट रखिए। तो सब ने 2-2 पॉइंट पर एक बात रख दी कि मैंने बताया कि जैसे व्हाट्सएप फेसबुक आपको नॉर्मल इशू पता है कि कैसे डाटा लीक होता है, एंड फेसबुक ने हाल ही में किसी वीडियो में बताया भी है कि दे नो दैट पर दे नॉट एबल टू करेक्ट दैट, क्योंकि डाटा चोरी हुआ था। तो ये चीज़ें थी, इसमें आपको बताना था कि इंडिविजुअल बींग एन इंडिविजुअल क्या कर सकता है, क्योंकि हमें पता है कि इन इंडिया 79% लोग अपने डेटा को लेके सिक्योर, मतलब उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि उनका डेटा चोरी हो रहा है नहीं हो रहा है, कि ये बोला गया कि आपको डेटा को ले जाए कोई फ़र्क पड़ता है, नहीं फ़र्क पड़ता 79%। और ये सर्वे हुआ था कोई, तो आप समझ सकते हैं कि डेटा प्राइवेसी लॉज और रूल्स इंडिया में कितने अनसिक्योर हैं और लोग कितने अनइन्फॉर्म्ड हैं इस चीज़ को लेकर कि हमें क्या ही है, हमारा डाटा है क्या ही है। तो ऐसे करते करते चारों लोगों ने बोला था आप एक चीज़ ट्राई करना कि अड़ना मत, मतलब मैंने बोला उसके बाद एक लड़की ने बोला उसके बाद एक लड़की ने बोला, तो लड़की का क्या हुआ, मतलब बोलती बोलती आप क्या करें, आपको हम दो उससे पहले भी हमें 1 मिनट या 30 सेकंड दिए जाते हैं कि अपना आप बोलिए। अच्छा हम एक चीज़ रहेगी स्टार्टिंग में बताने वाली, स्टार्टिंग में आपको बोलना है अपना, जब चार बंदे आ गए सबको बोलेंगे अपना आधार कार्ड नंबर बताओ, ठीक है। तो अपने पास आधार कार्ड रख के बैठना, ठीक है जी। एक बार आप अपने 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर बता दोगे उन्हें, उसके बाद वो कहेंगे कि अपना आधार कार्ड नंबर शो करो, तो ये आईडी कार्ड वो आधार का जो कार्ड होता है ऐसे ऐसे करके शो करोगे कि ये मेरा आधार कार्ड का नंबर है, ठीक है जी। उसके बाद क्या होगा कि हाँ, तो वो चारों को 2-2 मिनट का टाइम दिया जाएगा कि आप पहले 1 मिनट सोच लीजिए, फिर सब एक एक करके 2-2 मिनट बोलेंगे उसके बारे में। उसके बाद क्या करना है कि उन्होंने बोला था, मुझे काफ़ी अच्छी बात लगी कि आपको आई एग्री नहीं बोलना है, आपको उसके पे काउंटर मार सकते हो, काउंटर क्वेश्चन की यहाँ आई डिसएग्री है, ऐसे कोई काउंटर क्वेश्चन मार सकते हो, या आप एक दूसरे में आप 4 लोग हो तो आप एक दूसरे को काउंटर क्वेश्चन मारो। एंड तो जब ये 8 मिनट का प्रोसेस था, क्योंकि 2-2 मिनट उन्होंने टाइमर आई गेस मुझे लगा रखा था, या फिर आप खुद ही बीच में थैंक यू बोल सकते हो। बीच में एक लड़का था वो ज़्यादा बोलने लग गया था, तो सर ने कहा कि थैंक यू सो मच, ओके। तो ट्राई कीजिए थोड़ा लिमिट देने का। इंट्रो तो कोई खास किसी से नहीं पूछी, सही बताऊँ इंट्रो नहीं पूछते आजकल, इंट्रो वाला सिस्टम गया कि इंटरव्यूज़ में या जीडीज़ में पूछा जाता है कि आपका नाम बताएं, कॉलेज बताएं, वो आप सारी डिटेल्स ले चुके हैं तो क्या अलग से क्या बता देंगे, अपनी हॉबीज़ बता देंगे हद से जो अलग होंगी, या फिर वो उसमें भी कुछ डीप का अलग बता देंगे। तो जीडी में फिर ये 2-2 मिनट हुआ, इसके बाद सब ने दूसरे को काउंटर मारना शुरू किया। मैं उसको काउंटर मारने से पहले किसी ने मेरे को काउंटर मार दिया, फिर आप उसको एक्सप्लेन करते हैं कि क्या पॉइंट आप रख रहे हैं, और आप जो भी डेटा स्पेसिफिक बातें बोलें आप ट्राई कीजिए कि अगर आप ज़्यादा रीड नहीं करते हो तो स्टार्ट रीडिंग, क्योंकि रीड करने से स्पेशली इधर न्यूज़पेपर, तो न्यूज़पेपर रीड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप जब एक
चीज़ को बार बार कई चीज़ों को बार बार पढ़ते हैं तो आपको नॉलेज मिलती है उस चीज़ से, रीडिंग की वजह से इंग्लिश तो बढ़ती बढ़ती है, नॉलेज भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो फिर वहाँ पे एक लड़की थी, मैं लड़की वाला बता रहा था, तो वो उस तक हो गई कि दैट, तो आप क्या करो आप कॉपी एक ले लो। अच्छा हाँ याद से कॉपी रख लेना, मैं रखना मेरी रखनी रह गई थी जी डी के टाइम पर, कॉपी नहीं थी मेरे पास, मैंने कहा पॉइंट लिखना शुरू करो, तो मैं नहीं लिख पा रहा था, मैं बस माइंड में पॉइंट्स बना रहा था, तो आप क्या करो कॉपी लिख लो, जो उन्होंने सवाल लिखा वो ऊपर लिख लो, और दो चार पॉइंट छः पॉइंट जितने भी आपको मन है वो लिख लो वहाँ पे, एक एक दो 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 वर्ड्स के पॉइंट्स लिख लीजिए वहाँ पे, फिर बोलिए। फिर उसके बाद जब काउंटर सवाल आए तो आप ट्राई कीजिए कि आप डाटा स्पेसिफिक हो, क्योंकि बाद में आपको काउंटर एक बार जब ये 10-12 मिनट का पैनल हो जाएगा उसके बाद भी, तो फिर आपको जो लोग हैं जो बैठे हैं इंटरव्यूज, तो मेरे टाइम पे दो थे, एक मेल था एक फीमेल थे, वो भी आपको कॉन्ट्रैक्शन करते हैं अगर आपको रॉन्ग डाटा प्रोवाइड करते हो, कि मेरे को याद है किसी एक ने बायो 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 वेपन की बात कर दी थी, दैट इज़ कोरोना, जो डोनाल्ड ट्रंप से रिलेटेड थी, एंड दैट वाज अ र्यूमर, तो सर ने उसको एक काउंटर क्वेश्चन मारा था, बहुत अच्छा लगा था मेरे को, मतलब मेरे को जैसी चीज़ों से बहुत सीखने को मिलता है। तो सर ने उनको पूछा कि, तो कि आप आगे जाके आप हमारे यहाँ से अगर एमबीए करेंगे, कहीं से भी एमबीए करेंगे, तो आप जाके मैनेजर बनेंगे, तो आप अगर र्यूमर्स पे बिलीव करेंगे तो नहीं बात बनेगी ना, आप मैनेजर बनने वाले हैं आगे जाके, तो आप र्यूमर्स पे बिलीव नहीं कर सकते। तो वो वहाँ दिखा था मेरे को कि थोड़ा र्यूमर्स ट्राई मत करना ज़्यादा, कि ऐसे फेक नंबर्स तो बिल्कुल मत मारना, एक एस्टिमेट दे देना कि मैंने पढ़ा था 99%, तो उधर मैंने बोल दिया अप्रॉक्सीमेटली वर्ड यूज़ कर लो, अबाउट, तो ये सारे वर्ड्स जब आप करते हो ना, तो वो भी ये तब कि 75 का है तो 80 बोल सकते हो या 70 बोल सकते हो, यानी कि 75 का तो 100 बोल रहे हैं या 90 बोल रहे हैं, तो वो बहुत गैप आ जाता है अगर क्योंकि उन्होंने वो टॉपिक हमें दिया है, ठीक है ना, एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक दिया हमें, उनके इसके चांसेस हैं कि उन्होंने भी पढ़ा होगा। देखिए ऑब्वियसली अब किसी एमबीए कॉलेज में अच्छी तरह पढ़ा रहा, कितने लाखों इंटरव्यूज लिए हैं, तो ये टॉपिक भी शायद कभी रिपीट हो सकता है, एंड उसके बारे में नॉलेज तो उनको होगी ही, क्योंकि वो ऐसे ऐसे नहीं ना मार देंगे। तो बस यही था फिर जी डी एक्सपीरियंस, फिर लास्ट में उन्होंने ख़त्म किया, आखिरी में उन्होंने दो चार सबको काउंटर क्वेश्चन, सर ने भी कुछ ना कुछ बोले, जो लोगों ने गलत बोला था या रॉन्ग फिगर्स दी थी एक लड़के ने, तो उसको सर ने करेक्ट करके एंड कर दिया। अप्रॉक्सीमेटली जी डी का जो सेशन था ये आई विल से अराउंड 30-35-40 मिनट्स तक चला था अप्रॉक्सीमेटली, एंड उसके साथ ही एक आपको टाइम स्लॉट्स दिए जाते हैं कि जैसे मेरा 2 बजे 2 से 2:30 चला था, तो उन्होंने उसके बाद बोला था कि 2:45 आप एक बच्चा यहीं पर रह जाओ, अभी आपका साथ ही इंटरव्यू होगा, एक का 3 बजे होगा, एक का 3:30 होगा, एक का 4 बजे होगा। इंटरव्यू के टाइम पे मैं तो बींग इन मैं वर्क एक्सपीरियंस वाला था, तो मेरे से इंटरव्यू का एक्सपीरियंस लेकिन हम यहाँ नहीं देंगे, मैं बोलने वाला था पर नहीं, इंटरव्यू का जो एक्सपीरियंस है फुल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है जी, वो हम देंगे चैनल मेंबर्स को, तो उसकी भी प्रॉपर वीडियो रिकॉर्ड होगी, एंड आप मेंबरशिप ले लेंगे तो आपको जल्द ही चैनल में नीचे ज्वाइन का बटन होता है ना, ज्वाइन नहीं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके भी आपको कहीं लिंक मिल जाएगा, तो ज्वाइन का बटन दबा के भी आप चैनल मेंबर बन सकते हैं, और वैसे भी मेंबर बन सकते हैं। और पर इंटरव्यू का एक्सपीरियंस ये मैंने आपको सिर्फ जीडी का एक्सपीरियंस बताया जो 35 मिनट्स के अप्रॉक्सीमेटली चला था, इंटरव्यू का एक्सपीरियंस है कि क्या पूछा जाता है क्या नहीं पूछा जाता है, एग्जैक्ट एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं आपको, तो वो आपको बीइंग अ चैनल मेंबर ही दिखने मिलेगा, ठीक है जी। एंड आगे भी और भी इंटरव्यूज जो भी होंगे मेरे साथ वो चैनल मेंबर्स को ही दिखेंगे। जीडी पार्ट्स आई माइट अनाउंस हियर, बट द इंटरव्यू पार्ट विद एग्जैक्ट क्वेश्चंस एंड एग्जैक्ट आंसर्स विल बी देयर ऑन द चैनल मेंबरशिप, तो ज्वाइन का बटन दबा देना। एंड इनका रिजल्ट भी मार्च एंड में आएगा कि हु गॉट सेलेक्टेड और हु डिडंट, तो या जस्ट मेरा ये एक्सपीरियंस था। तो अगर आपको एक्सपीरियंस अच्छा लगा जीडी का तो लाइक कर देना, ठीक है जी। एंड अपने दोस्तों ने किसी ने देना या अभी तक देने वाले थे तो ये उनको शेयर कर देना, कमेंट सेक्शन में बताना कि आप और भी जो जो मैं कॉलेजेस के दूंगा जीडी और इंटरव्यूज, और मेरा हाँ ज्वाइन करने का एक और फ़ायदा है, आपको सिर्फ तापमी का इंटरव्यू नहीं मिलेगा, मेरा जल्द ही एक और अच्छे कॉलेज IIT गाजियाबाद, IIT नाम सुना होगा हमने, तो उसका भी इंटरव्यू होने वाला है, या आई गेस जीडी होगा पहले, तो उसके एक्सपीरियंसेस भी आएंगे मेंबर्स ओनली को, तो ज्वाइन कर लेना, बात बना देंगे, ठीक है जी। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, ऑलरेडी 9:30 मिनट हो गए, तो वीडियो को ही एंड करते हैं, और पसंद तो बस यही है कि लाइक वाइक मार देना, ठीक है जी, एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर देना। नमस्ते।